लोग तो स्वागत है मेरे चैनल में। तो अभी बज रहा है 3 बजने को, शायद से 10 और 5 के बीच में उतना मिनट है, और मैं व्लॉग कर रही हूँ। और आप सबको तो पता है कि मेरी गर्मी छुट्टी पड़ चुकी है, तो अभी, और आप लोग की गर्मी छुट्टी पड़ी कि नहीं, आप लोग कैसे हो? कल के व्लॉग में बहुत मज़ा आया होगा क्योंकि कल मैं गई थी ना हॉनेस्टी। आप जो जो नहीं देखा है वो जल्दी से आके देखो, और जो जो ये वीडियो देख रहा है ना प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है प्लीज़, ठीक है। और मैं इतनी मेहनत से, मैंने अभी तक ना 220 वीडियोज़ मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, और मेरे सब्सक्राइबर्स 118। फिर भी चलेगा, लेकिन फिर भी तुम लोग सब्सक्राइब कर दो जो जो नहीं किया है। और आप लोग अगर रिक्वेस्ट करोगे, जैसे कमेंट में बोलोगे, तो फिर मैं कुछ चैलेंजेस भी करूँगी। और देखिए मेरी मेहंदी छूट रही है, या इतनी आधी पूरी छूट चुकी है ये वाली। और गाइस ये रेट करिए मेरा जूड़ा विद बैंग्स कैसा लग रहा है, ज़रूर रेट कीजिएगा। और एकदम ऊपर भांदी मैंने, देख सकते हो, तो रेट कीजिएगा ज़रूर। और मैं क्यूट लग रही हूँ ना, और आज का मैं आपको लुक बताती हूँ अपना, रुको। देखिए आज का बहुत सिंपल सा लुक है, सिंपल सादा सा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सबको मेरी तरफ से तिवासी ईद मुबारक। हम लोग ये 3 ईद होते हैं, ईद और बासी ईद और तिवासी ईद, ये तीनों ईद होते हैं। और मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हम लोग की मतलब ईद के बाद बकरा ईद कितने दिनों बाद आती है, ठीक है? तो जवाब देना अगर मेरा कमेंट ऑन होगा, क्योंकि मेरा कमेंट ऑफ हो जाता है जब भी मैं ऑन करती हूँ, तो ऑफ हो जाता है। अगर ऑफ होगा तो मत देना जवाब, अगर ऑन होगा तो ज़रूर देना। और आज मेरे घर पे बना था, आज सैटरडे था, तो मेरे घर पे आज सादा सा ही बना था, क्योंकि कल बना था ना हैवी सा। तो मेरे घर पे बनाए हैं अभी खिचड़ी विथ, क्या बोलते हैं उसको, सालन, हाँ खिचड़ी विथ सालन तो बनाए, और फिर मैं वो खाऊंगी अभी। और बहुत बुरा, और पता नहीं आप लोग को लगता है कि नहीं, मेरे को 7 बजे जब अजान होने का टाइम रहता है ना, तब मेरे को हमेशा भूख लगता है, क्योंकि रमज़ान में भी लगता था। और आप लोग कैसे हो वो बताइएगा। और तो गाइज अभी आज के लिए इतना ही, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय, सपोर्ट कीजिएगा।